नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंबई की सड़कों में बनने वाली पाव भाजी की सीक्रेट रेसिपी बताने वाली हूं, तो प्लीज मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और घर में इसे जरूर ट्राई करें। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए चाहिए 2 प्याज, आधा कप बारीक कटा गाजर, 1 कप आलू कटा हुआ, 3 टमाटर, 1 कप फूलगोभी कटा हुआ, 1 कप हरा मटर, आधा नींबू का टुकड़ा, अदरक का छोटा टुकड़ा, 5 से 6 पीस लहसुन, हरी मिर्च स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून जीरा, बटर ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, 30 से 40 ml रिफाइंड ऑयल, हरी धनिया बारीक कटी हुई, 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक कटा, 3 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला, नमक स्वादानुसार। पाव ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले भाजी तैयार करें। इसके लिए कुकर में 1/2 कप बारीक कटा गाजर, 1 कप आलू कटा हुआ, 1 कप हरा मटर लें और 1 कप फूलगोभी कटा हुआ लें। इसमें 1 बारीक कटा टमाटर ऐड करें। लगभग 300 ml पानी ऐड करें इसमें। आप इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करें। कुकर में नमक डालने से इसमें नमक का अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये स्वादिष्ट लगने लगता है। अब कुकर को गर्म होने दें। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें। 3 सीटी आने दें। गैस ऑफ करें जब तक कुकर ठंडा होगा। कढ़ाई में 30 से 40 ml रिफाइंड ऑयल लें और इसे गर्म होने दें। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे ऐड करें। आप हरी मिर्च स्वादानुसार डालें और इसे मिक्स करें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए ये प्याज हैं, इसे ऐड कर दें। प्याज को बारीक काट के ही यूज करें। यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे नहीं डालेंगे, तब भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी में। इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएं। ये बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको स्पेशल टिप्स बताने वाली हूँ अच्छी पाव भाजी बनाने के लिए। इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दें। अब इसमें 1 से 2 मिनट बाद 1/4 कप बारीक कटा शिमला मिर्च ऐड करें और इसे 1 से 2 मिनट पकने दें। अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, ये हल्का गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें आप 2 बारीक कटे टमाटर ऐड करें। ध्यान रखें इसमें वेजिटेबल्स बारीक ही काटकर यूज करना है। इसमें आप नमक स्वादानुसार डालें और इसे मिक्स करें। नमक यहाँ पर हिसाब से डालें क्योंकि कुकर में भी नमक ऐड किया है। पाव भाजी बनाने के लिए पाव भाजी मसाले का विशेष यूज है। इसे 2 टेबल स्पून ऐड कर दें। टोटल 3 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला यूज कर रहे हैं। आधा मसाला बाद में ऐड करेंगे जब भाजी बनकर तैयार होगी। इसे मिक्स कर दें अच्छे से। इसमें स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करें और इसे मिक्स कर दें। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा भाजी में। बटर आप जरूर डालें। जितना ऑयल डाला है उतना ही बटर यूज कर रहे हैं। 30 से 40 ml आप इसमें बटर डालें। यदि आपके पास बटर नहीं है और पाव भाजी खाना है तो आप बटर की जगह घी डालें। कढ़ाई में मसाला तैयार हो रहा है। जब तक कुकर को खोलकर देखें, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसे मैश करें। आप इसे इस तरीके से अच्छे से मैश कर लें। पाव भाजी के लिए मैश करना जरूरी होता है। इसमें अब एक भी पानी नहीं डालना है, इसमें सफिशेंट पानी है। कढ़ाई का मसाला तैयार है। इसे अब कढ़ाई में पलट दें और अच्छे से मिक्स करें। इसे
5 से 6 मिनट अच्छे से पकने दें। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला और आधा नींबू का रस ऐड करें। इससे नींबू का रस डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिए, मैं जल्दी से पाव बनाना बता रही हूँ। इसमें आप हरी धनिया पत्ती काटकर डाल दें, ये बनकर तैयार है। पाव को सेकने के लिए तवे में थोड़ा सा बटर डालें और बीच से पाव को इस तरीके से ब्रेक करें और तवे में बटर के ऊपर डाल दें। इस तरीके से इसे अच्छे से सेकें, मीडियम फ्लेम पर रखें गैस को और पाव के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा बटर और लगा दें। ये देखिए, इस तरीके से दबाकर सेक दें दोनों तरफ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सिककर तैयार है।